सेक्टोरल रोल ऑफिसर का एक वेब पोर्टल बना हुआ है। पहले क्या होता था कि लोग से हम लोग आवेदन लेते थे, नाम हटाना है या नाम जुड़ना है या कोई किसी तरह का शुद्धिकरण होता था। पहले ERMS सॉफ्टवेयर होता था, उसमें ऑफलाइन एंट्री होता था, हम लोग आवेदन लेते थे तो उसका एंट्री होता था अभी, और सबका अलग अलग था, ERMS सबका अलग अलग था। अभी क्या हुआ है कि ERO नेट एक लॉन्च हुआ है, ये पूरा एक सेंट्रलाइज डेटाबेस, जितना लोग है, जितना वोटर है, जिसका जिसका भी नाम है ऑल ओवर इंडिया का, सब उसी डेटाबेस से बात करता है, एक ही नेट है उसमें लॉन्च हुआ है। इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एंट्री होता है, और जितना तरह का चुनाव से रिलेटेड जो नाम जोड़ने का, नाम हटाने का या नाम में शुद्धिकरण करने का, ये सारा चीज़ जो है ऑनलाइन आप एंट्री कर सकते हैं या आवेदन देते वहाँ भी या अपने से भी आप एंट्री कर सकते हैं। और इसमें भी आपके पास SMS भी आएगा, मोबाइल ऐप भी इसका लॉन्च हो गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहले क्या होता था कि बीच बीच में कभी विवाद होता था, आप लोग भी देखे होंगे, इतना साल से आप लोग भी कवर कर रहे हैं न्यूज़ को, कि कोई बोलता था कि मेरा नाम यहाँ होना चाहिए, वहाँ से नाम काट दीजिए, वहाँ पर नाम है, यहाँ से नाम काट दीजिए, कवर कर लेंगे। तो उसमें क्या होता था कि रियल टाइम में पता नहीं चलता था कि इसका नाम है कहाँ। तो अभी क्या है कि मान लीजिए कि हम हैं या कोई है या आप लोग कोई हैं, तो कहीं पर मान लीजिए आपका नाम है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका नाम है जैसे पूरा में, आप पटना चले गए, पटना में भी दिए भाई मेरा नाम जो है पटना में इस कंस्टिट्यूंसी में मेरा जो नाम है वोटर के रूप में वो कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, तो आपका नाम यहाँ भी है। अब वहाँ वाले को मालूम नहीं है कि आपका नाम यहाँ पर है, तो रियल टाइम होता नहीं था। तो अभी क्या होगा कि नाम जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नाम हटाने के लिए भी जो प्रपत्र होता है, प्रपत्र 7, तो वो जनरेट होकर के यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अपना कार्रवाई करके फिर नाम अगर हटाना है यहाँ से तो चेक वेक करके अपना नाम हटा लेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि सारा डेटा बेस एक ही जगह बना हुआ है। तो ये एक बड़ा फायदा है कि नाम किसी का डुप्लीकेशन नहीं होता। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि सबका नाम डुप्लीकेशन, अभी बहुत बड़ा एक हम लोग डी डुप्लीकेशन ड्राइव चलाए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विदेश का लोग, तो जितना भी नाम डबल डबल होता था सबको हम लोग हमेशा ड्राइव चलाते थे और उसमें से नाम हम लोग हमेशा वहाँ से हटाते जाते थे। अभी क्या है कि ऑनलाइन हो गया है, अब सालों भर अपना नाम दीजिए, नाम हटाने का नाम घटाने का, और जहाँ भी आपका पूर्व में नाम है वहाँ पर जो कुछ चला जाएगा, वहाँ जो कार्रवाई करना हो कर देगा और यहाँ का नाम मिलना होगा। तो ये एक इसका बड़ा फायदा है। और इसके अलावा जो मतदाता सूची है ये हमेशा परियोजक है, कभी कभार कभी जुलाई में जनवरी में ये हम लोग करते थे साल में 2-3 बार। अभी क्या है कि हमेशा नाम इसमें चलता रहेगा, सतत प्रक्रिया रहेगा, इसमें कभी दिक्कत नहीं होगा। और जो लोग का नाम डेथ हो गया उसका नाम भी इसमें निलंबित करने का प्रावधान है। नाम को अगर माइग्रेट करना है तो सबका नाम एक साथ उसमें डाल दीजिए, अलग अलग होने दीजिए, उसका भी प्रावधान है इसमें। पहले भी हम बोले कि इसमें ऐप और SMS अलर्ट तो आएगा ही आपके पास, और जब भी आप नाम डालिएगा तो आपको मालूम रहेगा कि आपका स्टेटस क्या है, ये सारा चीज़ इसमें वो आते रहेगा। इसके अलावा कितना लोग वोटर हैं यहाँ पर, महिला संख्या कितना है, नाम जुड़ना है खाना है, इसके सबके अलावा ये सब रहेगा। और एक और चीज़ में जुड़ा है वोटर जो पोलिंग बूथ है उसका भी डिटेल इसमें जुड़ा हुआ है, उसमें क्या क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, ये सारा चीज़ इसमें, कौन सा पोलिंग बूथ कब पड़ रहा है, ये सब भी ERO नेट के माध्यम से ये आ गया है। तो लोगों का यही आप लोगों से अपेक्षा होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब भी ये हो, अभी तो लोग बोलता है कि सर मेरा नाम जोड़ नहीं रहा, हटा नहीं रहा, तभी तो आप अधिकारी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर आता है तो ऑनलाइन जा करके आप लोग इसमें कभी भी अप्लाई कर दीजिए, वो प्रक्रिया अपना जारी रहेगा। NBSP इसमें है सर।
इसलिए आपको किसी का ऊपर डिपेंडेंट, लोगों को यही हम लोगों को बताना है, किसी पर डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं है। अब सब जगह वही हो रहा है, ऑनलाइन तो पहले भी होता था, अलग अलग जब अवधि होता था उसका समय आया तब होता था, इसमें तो हमेशा चलते रहे, कहीं जाइएगा वो चलता रहे, मैं आपको डिपेंडेंट नहीं होना, अपना जा रहे हैं आप अप्लाई कर दीजिए, वाकर अगला दो तीन साल में वो आ ही जाएगा, सी आई की जगह आधार इनेबल्ड आइडेंटिफिकेशन ही आ जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, मैंने बिल्कुल ही जो लोग का मन में थोड़ा सा शक वक्त भी होता है कि यहाँ कोई है या नहीं है, तो वो सब भी अब दूर हो जाएगा, तो यही इसका एडवांटेज है, और आप लोगों के माध्यम से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने और बिना किसी पराश्रित हुए अपने से लोग नाम अपना जुड़वाएँ हटाएँ या जहाँ भी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं वो करवाएँ, तो वो इसका एक फ़ायदा है। वर्षापात के आगे तो रिपोर्ट देते ही हैं, लेकिन हर दिन सी ओ और बी डी ओ दोनों को बोले हैं भारतीय जनता में कि हर दिन वो रिपोर्ट करेगा कि पानी जो है कितना बढ़ा कहाँ बढ़ा, वो दिक्कत नहीं हो रहा है, वो एक रिपोर्ट करते रहे हैं। इसके अलावा हम लोग उन लोगों को ये भी बोले हैं कि हर दिन जा कर के ये भी घूमते रहें, लोगों को ये बोलें कि नाव का परिचालन जो है, और अच्छा ये कि आप लोग भी हैं कि नाव का परिचालन अंधेरा मतलब 5:30-6 के बाद नहीं करेंगे, और जहाँ ज़रूरत होगा नाव जो है एकदम उत्तराखंड की तरफ से नाव वो लोग चलवाएँ, किसी कोई इशू नहीं है, दिक्कत अगर हो रहा है नाव चलेगा। इसके अलावा हम लोग एक बार और चेक कराए थे, दोबारा फिर आज हम मिल रहे हैं कि एक बार और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारतीय सुधार शास्त्र प्रखंड और भी जगह, तो एक बार लोग जा कर के चेक कर लें कुछ कमी अगर है तो अगले सप्ताह में उसको दुरुस्त कर दिया। दवाई वाले में सी एस आर भी थे तो आज बोले कि दवाई में सर हम लोग पास सभी दवा उपलब्ध है, उनको हम ये भी बोले हैं कि चापाकल वगैरह में जहाँ भी है खास करके महाबली टोला से शुरुआत करते हुए सभी जगह पानी शुद्ध करने के लिए टैबलेट आता है वो भी डाल दें, दवा इनके पास उपलब्ध है, और इनका मोबाइल टीम भी हम लोग ऑलरेडी सही काफ़ी में भेज चुके हैं, तैयार रखेंगे, जितना कम से कम करना टाइम है उसमें वो लोग वहाँ पहुँचे। पशु पालन के भी थे तो उनका भी अपना ट्रेनर का टाइम करके रखे हुए हैं, दवाई भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि दवाई भी जितना तरह का होता है 42 या 43 तरह का वो उनके पास अवेलेबल है, तो जरूरत तो होगा तो वो लेकर के भी आएँगे, लेकिन हम लोग उनको यही निर्देश दिए कि इसी सप्ताह से वो लोग कुसुम्बा और उसके आसपास एरिया में अपना टीम बना करके घूमना शुरू कर दें, जो टीकाकरण और कंट्रोल का डिग्री और दवाई देने का जो पशुओं का जो दवाई देने का ही है उसको अपना अभी से ही एकदम अर्जेंसी दिखाते हुए उसको शुरू करें इसी वीक से, तो वो हम लोग उनको बोल दिए। इसके अलावा जो हम लोग पास नाव और टेबल बोर्ड जो है और ये सब भी हम लोग तैयार हैं, तो बिना कि हम लोग का अभी स्थिति ये नहीं है, यहाँ पर जनरली जब तक गंगा नदी वाला पानी और ये नहीं होता है तब तक इशू नहीं है, अभी तक तो नहीं आया है, तो ये इतना एक नहीं है, लेकिन अगर आएगा तभी हम लोग उसमें गड़बड़ी भी हो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में तो एक ये शुरुआत प्रोसेसिंग से यूएस को डिस्ट्रीब्यूट करने का जगह तो यही हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे, तो हमें बताया कि नेक्स्ट वो शुरू हो जाएगा ट्रेनिंग, मशीन भी आ गया है ट्रेनिंग करा करके बैच हो नेक्स्ट वीक से हम लोग इसे शुरू करेंगे। किसान मोर्चा लगाएंगे सर? हाँ जो आएंगे उन्हें प्रॉपर पहचान दे करके प्रॉपर दाम में मिले, मैंने ऐसे नहीं कि मिली पेट्री को टाइमली बोगस दिखा करके और दुकान में वो उन्हें दिया जाए, जितने भी विक्रेता है मशीन आ गया है सबको हम लोग अवेलेबल, मैं भी जस्ट हुआ है क्योंकि 15 अगस्त है तो ट्रेनिंग एक बैच में हुआ है, मैंने एक बार हो चुका है, अब इस बार हम लोग मशीन दे करके बैच वाइज ट्रेनिंग कराएंगे अगले 3 से 4 दिन नेक्स्ट वीक से हम लोग सर्विस। कौन सी मशीन है सर? कौन सी मशीन पहचान देंगे वहाँ पर
इससे क्या हुआ कि कोई हाँ फर्जी तरीके से नहीं आया आदमी या नहीं आया और बना करके या वाउचर बना करके दे दिए कि हम बात रहे वो सब नहीं दूसरा नहीं ले जाएगा नहीं ये सब प्रयास हम लोग का हम लोग मनरेगा में भी या इंदिरा आवास में भी सब जगह हम लोग आधार एकदम वो कर दिए हैं बल्कि हम लोग जिला में हम लोग मनरेगा में भी हम लोग आधार से जोड़े हैं ऑलमोस्ट 90% हम लोग पक्ष पर आस पास में नहीं मतलब हम लोग आस पास में उस पर नहीं जा रहे हैं लेकिन हम लोग यही कोशिश किए हैं कि आधार से जोड़ दें ताकि उसमें गूगल से या इस तरह का चीज़ जो है पहले क्या होता था कि कोई पहचान नहीं है अकाउंट खोल लिया पता जा रहा है काम हुआ नहीं पता जा रहा है अभी क्या है कि आधार से और अकाउंट से जोड़ करके और उन्हीं का जॉब कार्ड को जोड़ दिए तो ये या तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया या एकदम मिनिमम में और ऑलमोस्ट 90% का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट दोनों जुड़ा हुआ है फोकस होने का चांसेस ऑलमोस्ट नहीं